देखिए, फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप के साथ साथ हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए हैं। ब्लड ही एक ऐसा जिसका भी सब्सिट्यूट नहीं बना है, कोई भी मेडिसिन नहीं बना है, ये ह्यूमन बीइंग से ही मिलता है। और हम लोग ने बहुत मतलब ऐसे ऐसे जगह पे जाके ब्लड डोनेशन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जिन्होंने कभी आज तक डोनेशन किया ही नहीं था। अब ब्लड डोनेशन करने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, जो 18 साल के लोग हो जाते हैं, 18 साल से 60 साल के लोग ब्लड दे सकते हैं। यदि हम लोगों का रक्त देने से यदि किन्हीं की जान बचे जाती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज गांधी जयंती है और इस अवसर पर राजधानी रांची के किशोरगंज के मारवाड़ी भवन में फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया गया है और हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या कुछ हो रहा है ये इनसे ही हम समझते हैं। हमारे साथ दादा, पहले तो बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप यहाँ पे लगाया गया है, क्या कुछ हो रहा है वो सारी? देखिए, फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप के साथ साथ हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए हैं और ये ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन में झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन और अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की इकाई समर्पण शाखा दोनों साथ में मिलकर सेवा सदन ब्लड बैंक के साथ के सहयोग से आज ब्लड डोनेशन कैंप का भी ऑर्गेनाइज किया है और डॉक्टर अमर कुमार जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट क्लिनिकल हैं उनके सुपरविज़न में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का संस्था जो है वो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ सोशल वर्क करता रहता है और महिला शाखा की अध्यक्ष भी हैं तो वो भी अपने संस्था के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो उनसे। अच्छा, कितने लोग आए अब तक यहाँ पर? अभी तक 100 के लोग करीब करीब आ गए हैं। 60+ डोनेशन हो गया है और बाकी लोग अभी लाइन पे हैं, तो 100 के करीब करीब अभी तक तो लोग यहाँ पे हैं जो डोनेट करेंगे और हेल्थ चेकअप कैंप का भी फायदा उतने ही के आसपास अभी हो चुका है लोगों को। जरूरी है ये आज के टाइम पर? ये देखिए, हेल्थ अवेयरनेस तो आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया, पहले से फिजिकल वर्क लोग कर नहीं रहे, तो हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाने का मकसद हम लोगों का यही है कि अगर उनको कुछ भी किसी तरह का भी कोई डिजीज़ है या प्रॉब्लम्स है तो वो जानकारी में आ जाए उनको, ताकि वो सही समय पर अपना उसका प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें। बेसिकली हम लोग जो हम झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन के स्थापना काल से जो पहले सचिव थे स्वर्गीय विजय गुप्ता जी, आज उनका पुण्यतिथि है तो एक श्रद्धांजलि भी हम लोगों की तरफ से उनके लिए भी है और संयोग की बात है कि 2 अक्टूबर है तो गांधी जयंती भी है तो हम लोगों के लिए सब कुछ और समर्पण शाखा सहयोग करने के लिए हम लोगों की तैयार हो गई आज के डेट में, तो ये एक ऐसा संयोग बैठा कि इतना बड़ा एक समझिए कि महोत्सव। हाँ, दिन हो गया, हाँ, ऐतिहासिक हो गया कि आज के दिन हमने ब्लड कैंप लगाया है। जी बताइए कि ब्लड कैंप में महिलाओं की कितनी भागीदारी? महिलाओं की कितनी भागीदारी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार मारवाड़ी युवा मंच समर्पण शाखा पूरे नेशनल में 3rd पोजीशन में है और पूरे झारखंड में 1 पोजीशन में है, तो बिना लेडीज़ की भागीदारी की तो असंभव होता। सारी सखियों हमारी साथ है और हम लोग ने बहुत मतलब ऐसे ऐसे जगह पर जाके ब्लड डोनेशन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जिन्होंने कभी आज तक डोनेशन किया ही नहीं था, उनको यही नहीं पता था कि ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए। क्या फ़ायदा है क्या बताना चाहिए? ब्लड हाँ सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक हमारे साथ शिखा मैम है जो बता रही हैं कि डॉक्टर हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन की जब किसी के परिवार में जब ज़रूरत होती है तो सबसे पहले लोग चाहते हैं कि हमें कहाँ से ब्लड उपलब्ध हो, और ब्लड ही एक ऐसा जिसका भी सब्सिट्यूट नहीं बना है, कोई भी मेडिसिन नहीं बना है, ये ह्यूमन बीइंग से ही मिलता है। ठीक है, अब ब्लड डोनेशन करने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, जो 18 साल के लोग हो जाते हैं, 18 साल से 60 साल के लोग ब्लड दे सकते हैं, इससे उनका ब्लड जो ब्लड देते हैं उससे उनको उनका बहुत सा हार्ट डिजीज के लिए बचाव होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है और उनमें नया फ्रेश ब्लड बनता है, उनका जिनका है वजन बढ़ता है, जो लोग सही रहते हैं खान पान में रहते हैं ब्लड। हाँ, तो ये जानकारी की कमी है लेकिन अभी ऐसे ऐसे संस्था हमारे पास ये लोग आगे आ रहे हैं जिससे ब्लड डोनेशन करने में अब लोग को जागरूकता उपलब्ध हो रही है। अवेयरनेस की कमी तो अभी भी है लेकिन अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं अब आगे, इसलिए फ़ायदे तो और भी बहुत सारे हैं, जो ब्लड डोनेशन से कोई हानि नहीं है। युवा मंच समर्पण महिला शाखा की पूर्व अध्यक्ष मीनू अग्रवाल हूँ। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ब्लड डोनेशन करने से जो आपका टेस्ट है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो भी फ्री में टेस्ट हो जाता है, तो उस
उससे भी आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपका प्रेशर किस लेवल पे है, आपका शुगर किस लेवल पे है। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे हिसाब से फ़ायदा है ब्लड डोनेट करने का। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो ये सैंपल हमारा जो हॉस्पिटल में जाता है वो 2-3 तरह से जाँचों से गुजरता है, तो उससे हमें ये भी अवेयरनेस होता है कि हमारे अंदर कोई बीमारी अगर हो तो ये हॉस्पिटल की तरफ से हमें जानकारी मिलती है, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें होता है। यदि हम लोगों का रक्त देने से यदि किन्हीं की जान बचे जाती है तो बहुत अच्छी बात है, जिस चीज़ के लेके हम लोग सोचे कि चलो कहीं भी रक्तदान हो तो हम लोगों को जरूर, हम लोगों के यदि 2 बूंद रक्त से किसी की बच्चे की किसी की भी जान बचती है तो वो देना अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग भी फोटोग्राफी मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, तो हम लोगों का ये फ़र्ज पहला बनता है कि हम लोगों को कहीं भी जाके ये समाज सेवा का काम करें। बस यही हम लोग एक हम लोगों का ये सोच था जिसके लेके हम लोग वहाँ से आए। Share and subscribe www.thefollowup.in